हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपको कार्य में अब पूर्णता यहाँ पर मिलने वाली है। मतलब किसी काम में आपको बहुत जल्दी सक्सेस, सफलता यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और चैनल ये भी हो रहा था आपके लिए कि जैसे आपका निशाना सटीक बैठ रहा है, जैसे आपका आप कुछ जैसे कहते हैं ना कि किसी अभ्यास में लगे हुए थे या प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ आप ऐसा कर रहे हो कि जहाँ से आपको जैसे एक बार में चीज़ें सटीक बैठ रही हैं वो आपकी यहाँ पर। मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा जैसे क्लियरिटी नहीं थी जो भी आप कर रहे थे उसमें, लेकिन अब आपका निशाना सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, ओके। जिसकी वजह से आपको कार्य में पूर्णता यहाँ पर मिलने वाली है, ओके। और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तो मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके ईश्वर परमात्मा आपको मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बिग थैंक यू। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उसका तहे दिल से शुक्रिया, ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते पैड होती है, व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहां से क्लिक करके नंबर लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि आपको आपका निशाना सटीक बैठ रहा है और बहुत जल्दी आपको आपके कार्य में पूर्णता मिल रही है, ठीक है। तो ये एक चैनल था आप सभी के लिए, ठीक है। ग्रेटिट्यूड आपको बहुत ज़्यादा पे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतनी ही जल्दी आपके कार्यों में कुशलता आती चली जाएगी। जैसे आपके कार्यों में प्रगति होगी, आपके कार्यों में ग्रोथ होगी। बहुत चीज़ें हैं जिसे आप बहुत ईजीली, स्मूथली, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने निर्धारित कर रखा है या जिस निश्चितता पे आप जाना चाहते हो वहां तक आप पहुंच रहे हो, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। तो यहाँ पर मैसेज आप सभी के लिए आ रहा है, मैं कार्ड से देखूंगी अब आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आपका सटीक बैठ रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैजिशियन, यस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस कार्ड को देखते से मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिला है, पहले मुझे ऐसा लग रहा था ना कि आप जैसे निशाना सटीक बैठ रहा है आपको, आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपका मैनिफेस्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप आपकी सोच, ठीक है, आप शायद वो नहीं सोच पा रहे थे जो आपको, आपके पास जो पावर है, जो शक्ति है, उस लेवल का आप शायद अपने आप को सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। कि आपके पास जो यहाँ पर है कि निशाना सटीक बैठ रहा है, आपके कार्यों में पूर्णता मिल रही है, वो क्यों मिल रही है आप यहाँ पर? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर कि आपने अगर हम कुछ, हमारा लक्ष्य होता है, अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, उसे उसके लिए हमें अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जिसकी वजह से हमारी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, जो भी हम करते हैं, जो भी इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर, वो उसकी वजह से हम जो, मतलब वो फिर हमारी एक्यूरेट बैठती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते हो या उसके बारे में अब आप बहुत कुछ चीजों को जान चुके हो, तो आपको पता है कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, कि प्रभु परमात्मा से हम जो चाह रहे हैं उसे कैसे लिया जाता है, ठीक है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर वही चीजें मैं देख रही हूं कि फर्स्ट तो आप बहुत बैलेंस हो, जो भी आप मैनिफेस्ट यहां पर कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपका लक्ष्य है यहां पर, जहां पर भी आप निशाना लगाना चाहते हो, वो वहां पर सटीक बैठ रहा है आपका। क्यों? क्योंकि आप अब, आपको पता है यहां पर, आपको पता है कि अब आपकी आपके अंदर जितना भी कंफ्यूजन था,
ठीक है, आप जितना भी मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी जगह आप दौड़ भाग लगा रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे कि ये भी बहुत कुछ चीजें हासिल करना चाह रहे थे एक साथ में, कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए यहाँ पर। लेकिन पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पर एक ही चीजों पर हमें फोकस रखने की जरूरत है, ठीक है, एक टाइम पर हम एक ही काम को कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी एनर्जी को कंटिन्यूसली एक ही जगह पे आप फोकस लगा कर रखे हुए हो, जिसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना, वो पूरा हो रहा है यहाँ पर। कहते हैं ना कि जब हम, क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा निकली यहाँ पर, कार्य कुशलता आपके अंदर है, वो कैपेसिटी है आपके अंदर, वो काबिलियत है आपके अंदर, वो हुनर है आपके अंदर यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि आप ब्लेस्ड सोल हो, ठीक है, कि जहां पर आप एक तो ब्लेसिंग से ऊपर से आपकी कार्य कुशलता, आपके कार्य करने का जो तरीका है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीजों को आप पहले अधूरा छोड़ देते थे, लेकिन अब कंप्लीट करते हो आप चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि लेट गो, मतलब छोड़ नहीं देते हो कि चलो ठीक है हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ चीजों में जैसे आपने अपने अंदर यहाँ पर सुधार करा है, ठीक है, बहुत कुछ चीजों को आपने जान लिया है, समझ लिया है यहाँ पर। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक बहुत बहुत जैसे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है आपका यहाँ पर, कि जब हम किसी काम को दिल दिल से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, ठीक है, कि ये काम में हमें पूर्णता कब मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है आप डेफिनेटली कुछ कर रहे हो, आप वहां पर कुछ करते चले जा रहे हो। मैनिफेस्टेशन भी देखो उसी का ही कंप्लीट होता है कि जो उस काम को कर रहा है, ठीक है, और कर रहा है, और करते करते जैसे हम उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमें वो चीज महसूस होती है कि हाँ, मेरा, मैंने जो निशाना छोड़ा था, जो मैंने तीर छोड़ा था, या जो मैं कार्य कर रही थी, या मेरे अंदर जो कैपेसिटी थी या काबिलियत थी, जैसे उसके ऊपर विश्वास करते हो, जो मैंने कुछ स्टार्ट करा या कर रहा था या करने वाला, तो वो सब चीजें जैसे आप, आपकी जैसे कहते ना कि आपको वो मंजिल तक, ठीक है, उस मंजिल तक आपको लेकर पहुंची है यहाँ पर। वो चीजें मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि जैसे आप कोई यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई हीलर बनना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचने से बन रहे हो, नहीं, उसकी प्रैक्टिस कर आप कर रहे हो, कुछ अभ्यास कर रहे हो, डेफिनेटली कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी आपने पास्ट में आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, या जो भी आपने विश मांगी थी, वो सटीक, जैसे कहते ना कि सटीक बैठी, आपका निशाना सटीक बैठा है वहां पर, क्योंकि मैजिशियन है आपके पास में, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर। आपकी सोचने की जो क्षमता है ना, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, वो बहुत बहुत जैसे मैग्नेट का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो इस समय, जो भी थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में, जो भी आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ठीक है। आपका निशाना एकदम सटीक लगा है, और जिसमें आपको जिसकी वजह से आपने मतलब बहुत चीजों को आप करना चाहते हो, पूर्ण करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप उसमें पूर्णता आपको बहुत बहुत बड़ी सक्सेस, मैं कह सकती हूँ कि बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। क्योंकि ये यहाँ पर जैसे करनी और कथनी, आप कर भी रहे हो और मतलब वो सोच भी रहे हो। एक कहते हैं ना कि जैसे किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं हम, तो उसको उसके बारे में हमें सोचने कि हम हैं, हम इस काम को कर रहे हैं, हम ये वही हैं जो जिस काम को हम कर रहे हैं, तो वो चीजें हम फिर उस वो चीजें हमारे साथ घटित होने लगती हैं, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं, आपका निशाना सटीक यहाँ पर बैठ रहा है जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। मैजिशियन बहुत बड़ी हर चीज है आपके पास में यहाँ पर, हर चीज, लेकिन बहुत कुछ चीजें होते हुए भी, लेकिन एक चीज को चूज करना, उस पर काम करना, उस पर अमल करना, और उसमें काबिल, उसमें पूर्णता हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है जो आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। द फूल, यस, कोई बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा आपके जीवन में जैसे खुशहाली की एनर्जी में देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। द फूल का कार्ड है यहाँ पर, मतलब एक न्यू बिगनिंग, ये एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि आपका निशाना सटीक जगह बैठा हुआ है, ठीक है। आप जो भी आप सोच विचार कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। अब बहुत जल्दी वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर कर रही है यहाँ पर, बहुत जल्दी आप उस चीज को मतलब आपकी तरफ वो आ रही है, वो ये ब्लेसिंग्स, ये खुशखबरी,
ठीक है। और ये आपकी एक चाहत है, बहुत बड़ी चाहत है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ अचीव यहाँ पर कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ी काबिलियत को आप हासिल कर रहे हो, कुछ बहुत कुछ बड़ा आप हासिल करने वाले हो यहाँ पर, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा खुश, हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, न्यू बिगनिंग कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। न्यू की ऊर्जा है यहाँ पर, कुछ नया कुछ न्यू की ऊर्जा में आप जाते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। और क्योंकि मैजिशियन निशाना आपका सही सटीक बैठा हुआ है, जो भी आपने मैनिफेस्ट करा है, ठीक है, वो आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, वो विश आपकी पूरी होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ऐसा फील करोगे कि हाँ मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे सब कुछ यहाँ पर मिल चुका है। मैं एक बात यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि जो भी आप सोचोगे, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस होकर जो भी सोचोगे ना, वो आपको प्राप्त होगा ही होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। जो भी आप मतलब उस काम में आपको पूर्णता मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो आप अपने जीवन में, और पूर्णता भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, यस। कोई बहुत बड़ा पेन, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आपके जीवन से जैसे कट होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। आप बहुत बड़े एक ऐसे चक्रव्यूह से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ देखोगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका निशाना सटीक बैठा था, कि निशाना आपका शायद ये था या ये विश थी आपकी कि मैं जल्दी से जल्दी, मतलब कोई कोई ऐसा प्लेस है या किसी ऐसी जगह पर आप रहते हो कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, पेन में हो, कोई बहुत ज़्यादा आपकी आपको पुरानी चीज़ें याद आती हैं, या आपको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है कि मैं कब इस ऊर्जा से, इस तकलीफ से या इस परेशानी से मैं कब बाहर निकलूंगा, और कब मुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मुझे मिलेगा, या कब वो चीजें होंगी जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। तो कोई किसी एक ऐसी परेशानी का अंत, आपके संकटों का अंत यहाँ पर होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज को आप किसी दर्द की दवा मिलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कोई मेंटली बहुत मतलब आप अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते थे कि आपको कोई दबा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आपका पेन, शायद ये पास्ट का पेन हो सकता है, कोई ऐसी तकलीफ जब दर्द भरा हुआ है, दर्द से ये एक दर्द की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये डेफिनेटली आपका कुछ ऐसा कि आप इस किसी चुंगल में या किसी चुंगल से आप बाहर निकलना चाहते हो, तो वो आपके यहाँ पर आपने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट करा है कि आपको ये इस दर्द से, इस परेशानी से या इस सिचुएशन से, एक कोई ऐसी सिचुएशन भी है आपकी जो यहाँ से आप निकलना चाहते हो, ठीक है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, जैसे किसी किसी परेशानी का अंत है यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत है, कुछ नयापन है आपकी लाइफ में यहाँ पर। और वो जितना दर्द आपने देखा है उससे कहीं ज्यादा गुना आपको खुशखबरी, ब्लैसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही हैं, ठीक है। एंड टेन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, नाइन ऑफ सॉर्ड्स और टेन ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत एक पास्ट की ऊर्जा है। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है आपके लिए कि आपने शायद आपका, जैसे कहते हैं ना कि किसी दर्द की सीमा नहीं रही है, आपने इतना दर्द आपकी लाइफ में या आपके जीवन में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी वजह से आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि यहाँ पर इनबैलेंस है, एनर्जी ब्लॉक है आपकी यहाँ पर पास्ट में। तो ये सब चीज़ें इसीलिए ही कि अभी पास्ट में कोई भी मैनिफेस्टेशन या आपका
आपका निशाना सटीक नहीं बैठा है, मतलब यहाँ पर शायद उस ऊर्जा में नहीं थे कि जहाँ पर आप कुछ कुछ अच्छा सोच सको, पॉजिटिव सोच सको या अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत यहाँ पर कर सको। ठीक है, शायद वो उस ऊर्जा में नहीं थे, लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है, आप मैजिशियन हो आप यहाँ पर, ठीक है, कि जितना भी आपकी लाइफ में कोई एक समय का मैं अंत देख रही हूँ और एक ऐसे समय की शुरुआत यहाँ पर देख रही हूँ कि जहाँ पर आप बड़े ऊर्जावान हो। ठीक है, आपकी आप जो विश कर रहे हो, जो मांग रहे हो, जिसमें मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, वो मैनिफेस्टो हो रहा है यूनिवर्स में। ठीक है, और वो आपको दिया भी जा रहा है, आपको दिया भी जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से आपके काफ़ी दुख तकलीफ हैं, पेन है, वो मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आपके कार्यों में पूर्णता अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत चीज़ों को जैसे दिल, दिमाग, शरीर, ये तीनों की ऊर्जा आपके कार्य में यहाँ पर लगेगी। पास्ट में शायद आप दिमाग से भी बहुत वीक थे, हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही थी और सोल भी कहीं ना कहीं, जैसे आप अपनी सोल से कनेक्ट नहीं थे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे थे। ठीक है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे थे, ये पास्ट की ऊर्जा है डियर, जिसकी वजह से आपको आपके कार्यों में पूर्णता नहीं मिल रही थी, आपका आपका जो निशाना है वो सटीक नहीं बैठ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैजिशियन की ऊर्जा में हूँ। ठीक है, मैजिशियन की ऊर्जा में बहुत माइंड, बॉडी, सोल, ये एक अलाइनमेंट में है, जिसकी वजह से आपके कार्यों में आपको पूर्णता यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और आपका निशाना जो भी आप मतलब सोचोगे, पहली बात तो आप सोच ही नहीं रह पा रहे थे। ठीक है, उस ऊर्जा में ही नहीं थे, लेकिन आप जो सोचोगे वो सटीक सोचोगे और सही सोचोगे और वो आपका सही जगह जाकर लगेगा। जैसे बहुत कुछ चीज़ें आपकी एक बहुत बड़ा जैसे डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव है आपके भीतर भी, बाहर भी और हर जगह, जैसे ये बदलाव की सिचुएशन को मैं यहाँ पर देख ली हूँ। ठीक है, कि डेथ किसी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूँ, अंत है यहाँ पर आपके दर्द का, आपके पेन का, ऐसे समय का जो आपको आपके कार्यों में पूर्णता मतलब दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था। ठीक है, कि आपका खुद का कितना आप किसी चीज़ में कितने एफर्ट डाल रहे हो, आपका जहाँ पर कुछ भी चीज़ें थी आपकी, आप अपने कार्यों में क्यों पूर्णता नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपका जो एफर्ट जा रहा था वो जीरो लेवल पे जा रहा था। लेकिन अब जो जाएगा वो ऐसा जाएगा कि जहाँ पर आप अपने आप को एक ऐसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा आपके जो विचार होंगे, आपके जो थॉट्स होंगे, ठीक है, उसी के आधार पर आप कुछ अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव यहाँ पर करोगे। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है डियर आपके लिए। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अब मैजिशियन है, मैजिशियन की ऊर्जा है डियर यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक जगह किसी एक काम को कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में, लेकिन पर्टिकुलर एक टाइम पर आपको एक काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जब उसमें आपको पूरी तरीके से पूर्णता आपको मिलेगी, तब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ यहाँ पर करोगे। बहुत जल्दी आप कोई बहुत बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत कुछ आपको अचीव, माय गॉड, फेसिंग फियर, यस, मैंने बोला आपको यहाँ कि अब आपके कार्यों में पूर्णता कौन दिला रहा है, जब ये एक पावर है आपके पास में, मैजिशियन क्यों, ये पावर आपको कहाँ से मिली, ये काली माँ से मिली है आपको, ये पावर आपको काली माँ से मिली है, कि काली माँ ने आपके अंदर की जितना भी एक ऐसा मतलब किसी ऐसी जगह फंसे हुए थे, डेफिनेटली आप जहाँ से आप अपनी ऊर्जा में नहीं आ पा रहे थे, आप अपने आप को अपने आप को नहीं पहचान पा रहे थे, अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन काली माँ, जैसे ही काली माँ ने आपकी लाइफ में यहाँ पर मैजिक करना शुरू करा, वहीं से आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा का आगमन हुआ। ठीक है, कि जहाँ से आप अपने अपने खुद के लिए
यहाँ पर खुद के लिए सटीक निशाना, मतलब कुछ निर्णय डिसीजन लेना, लेकिन आपको यहाँ पर कौन हेल्प कर रहा था? काली माँ यहाँ पर आपको हेल्प कर रही थी कि आप जो भी आपकी सिचुएशन है, परेशानी, जो दर्द है, तकलीफ है, उससे आप कैसे निकल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इस कार्ड से बहुत ज़्यादा ब्लास्ड हो आप यहाँ पर। किसकी ब्लेसिंग से आपके साथ में? काली माँ की ब्लेसिंग से आपके साथ में यहाँ पर। ठीक है, जिसके आपके अंदर एक मतलब इंट्यूशन को जब कब हम नहीं सुन पाते, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं, एनर्जी ब्लॉक होती है, हम लो एनर्जी में होते हैं, हमारे अंदर डर होता है, भय होता है, बहुत बाधाएं आती हैं हमारी जर्नी में। ठीक है, तभी हम सटीक कुछ कर नहीं पाते, हमारे कारणों में पूर्णता हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन काली माँ यहाँ पर आपको वो पावर आपको देती, वो शक्ति आपको देती है कि आपने अपने आप को इतना, काली माँ ने आपको इतना बैलेंस यहाँ पर कर दिया है कि अब आपका निशाना सटीक यहाँ पर बैठेगा। अब आप जिसे कहते हैं ना कि अब आपका निशाना थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। पहले आप पास्ट में विश्वास नहीं करते थे अपने ऊपर। यहां पर सबसे बड़ी बात कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके लिए उस लेवल तक सोचना है, बड़ा कुछ सोचना है, उस ऊर्जा से अपने अपने आप को भर देना है कि हाँ आप कर सकते हो। तो यहां पर तो वो ब्लॉक था आपका। ठीक है, वो ब्लॉक एनर्जी ब्लॉक थी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए, जो कि वो चीजें नहीं थी आपके अंदर। लेकिन काली माँ ने जैसे एक बहुत बड़ा आपके अंदर इतनी शक्तियों से आपको भर दिया है। आपकी थर्ड आई मैनिफेस्टेशन किसका कंप्लीट होता है? जिसकी तीसरा नेत्र खुला होता है, जिसकी थर्ड आई ओपन होती है यहाँ पर। तो काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर। कोई भी अगर पास्ट में यहाँ पर अगर आप अपने अपने कार्यों में आपको कुशलता नहीं मिल पाती थी, सफलता नहीं मिल पाती थी, आप बहुत बहुत आपके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप एक काम नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक काम ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है डियर, बहुत ही बड़ा गलत फहमी है आपकी। आप बहुत आपको आपके पास वो पावर है। सबसे बड़ी बात ये कि आप ब्लेस्ड हो, आपके पास वो पावर है कि आप कुछ भी करोगे। ठीक है, आप कुछ भी करोगे उसमें आपको, आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि आप उस लेवल पर आ चुके हो, उस एनर्जी में यहां पर आ चुके हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके अंदर कोई भी ब्लॉकेज यहां पर नहीं है। काली माँ ने आपकी थर्ड आई ओपन करी, आपको बैलेंस करा है, और आप अपनी अपने कार्यों में आप आगे बढ़ो, आपको कार्यों में प्रगति मिले। ठीक है, सफलता आपको मिले, तो जितने भी आपके अंदर डर था, सबसे बड़ी डर, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं, अपनी अंतरात्मा को नहीं सुन पा रहे थे, तो काली माँ ने वही आपके दूर कर रहे हैं। ठीक है, काली माँ आपको बहुत ज्यादा नजदीक से आपको नजर भी आती होंगी, आपको दिखाई भी देती होंगी। काली माँ आपकी परछाई बनकर भी चलती है, इस बात का आपको एहसास हो या ना हो, काली माँ एक बच्चे की तरह आपको रखती है। ठीक है, जैसे उनका एक बहुत प्यारा बच्चा हो आप, तो वो काली माँ जैसे परछाई बनकर आपके साथ में यहाँ पर रहती है। लेकिन हाँ, किसी किसी को वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी फील होती होगी, तो यहाँ पर काली माँ बोल रही है अगर कुछ नेगेटिविटी भी आपको फील होती है, क्योंकि काली माँ ने आपको ब्लेसिंग्स दे चुकी हैं। ठीक है, कि आपको बस डरना नहीं है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। ज्यादा का प्रॉब्लम होती, परेशानी होती, काली माँ का नाम लो। किसी को ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, आपको लगता है कोई इर्द गिर्द है, तो काली कवच आप पढ़ो। ठीक है, उससे भी आपको, जैसे काली माँ को आपकी आपकी आपको वहां पर फील होगा कि आपके अंदर से काली माँ की आवाज आ रही है, क्योंकि काली माँ की ब्लेसिंग्स आपको दी हुई है। जब उन्हें पुकारोगे दुख तकलीफ में यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगी। ठीक है, और आपका निशाना सटीक लगेगा, और जो भी कार्य करोगे उसमें आपको पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। तो काली माँ से प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ की, यहाँ पर उनकी ग्रेटिट्यूड, उनसे प्रेयर प्रार्थना आपको करने की यहाँ पर जरूरत है कि काली माँ ने क्या आप क्या थे, क्या चेंजेस आपके अंदर यहाँ पर ला दिए हैं। ठीक है, कहाँ पर आप एक टाइम था आप कि जहाँ आप कोई भी काम करते थे लेकिन आपको उसमें पूर्ण सफलता, सक्सेस नहीं मिल पाती थी।
ठीक है, आपका निशाना सटीक नहीं बैठता था। लेकिन अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपकी नजरें, निशाना कब सटीक बैठता है कि जब हम अपनी इनर वॉइस को सुनते, काली माँ की अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, ठीक है, तो वो निशाना सटीक बैठता ही बैठता है। हमारी अंतरात्मा, हमारी काली माँ कभी हमें गलत नहीं करने देगी, ठीक है, आपको वही लेकर जाएगी कि जहां पर आपकी भलाई है, जहां पर आपकी सफलता है। या फोकस इन देयर, यस 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 यस। मैं इतनी देर से आपको क्या बोल रही हूँ, आपका निशाना फोकस इंटेंशन यहाँ पर डायना, काली माँ आपको बोल रही है यहाँ पर आप क्या चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बड़ा करना चाहते हो। आपके पास तो सब कुछ है, वो पावर है, वो शक्ति है, ठीक है, बस उसके ऊपर आप मेहनत करो, उसको पाने के लिए हार्डवर्क करो, ठीक है, वो आपको कार्य में आपको प्रगति भी मिलेगी और आपको कार्य में सक्सेस, सफलता भी आपको मिलेगी। ये पे एक बहुत बड़ी गाइडलाइंस काली माँ की यहाँ पर आ रही है आपके लिए कि अगर आप, अगर आपकी कोई आपने किसी चीज पर फोकस नहीं लगा रखा है, ठीक है, या आपका, आप किसी काम अभी तक कोई आप भटक रहे हो, किसी काम को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस पर आप फोकस लगा कर रखो, ठीक है, आप निशाना आपका सटीक जाएगा, ठीक है, और उस कार्य में आपको सक्सेस भी मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी। आपको यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके पास, आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के हर चीज है आपके पास। ये देख रहे हो इसके कमान में कितने तीर भरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जैसे कहते हैं कि आपके अंदर से कौन आवाज, आपको कैसी आवाज आएगी, काली माँ की आवाज आएगी, ठीक है, क्योंकि काली माँ की ब्लेसिंग यहाँ पर आपको काली माँ बताएगी कि कहाँ तीर छोड़ना है, कैसे करना है, किस काम को करना है आपको, किस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, ये काली माँ की ब्लेसिंग्स हैं। तो अपनी अंतरात्मा की सुनो और उसको चलते आप आगे बढ़ो, डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, वो मिलेगा, आपका निशाना सटीक जाएगा, ठीक है, उस कार्य में, क्योंकि काली माँ ने अब आपके पास वो पावर है, वो शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो, जो भी आपका, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में अपने आप को बदलना चाहते हो, अब आप रेडी हो। बस वो कहते हैं ना कि तीर छोड़ने की देर है, आपका निशाना सटीक जाएगा, आप घबराना नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। यस इस कर यहाँ पे आपके लिए बोले जा रहे हैं कि आपके, आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करो आप यहाँ पर, जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो काली माँ के, जैसे जो भी ब्लॉकेज थे आपके वो हील हो चुके हैं, वो अब आपके गिफ्ट्स आपको ओपन होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, ठीक है, वो खुल रही है, ठीक है, वो खुलकर उड़ना चाहती है, ठीक है। तो अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो यहाँ पर, अपने आप को खुलने दो यहाँ पर, और इंटेंशन आप सही रखो, ठीक है, कि आपका निशाना, अपने ऊपर विश्वास करो, क्या अचीव करना चाहते हो, अपने आप को ओपन होने दो, ये भी गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही है, अपने आप को उड़ने दो, आकाश में उड़ने दो, अपने ऊपर विश्वास करो आप यहाँ पर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए जो काली माँ आपको यहाँ पर दे रही है, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा यहाँ पर दे रहे हैं, लव एंड पीस, लव एंड पीस। काली माँ उन्हीं के अंदर वास करती है जिनके अंदर बहुत पवित्रता होती है, पीस होती है, शांति होती है, जो माइंड बॉडी सोल, ठीक है, यहाँ पर आपका निशाना सटीक बैठ रहा है, ठीक है, कि आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक किसी चीज, बहुत अलग अलग धर्म को शायद आप पालन कर रहे थे, या समझ में नहीं आ रही थी किसी के लिए, ये भी मैसेज है। हालांकि मैं यहाँ पर यही बोलती हूँ कि सबके आगे सर झुकता है, लेकिन आप शायद अलग अलग सर झुका रहे थे, कहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर, तो काली माँ की जैसे आपको पूजा करने की जरूरत है, आराधना करने की जरूरत है, वह आपको बहुत कुछ चीजों को आपको सफलतापूर्वक चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। प्रेयर, यस, आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, प्रेयर का ही जिक्र कर रही हूं मैं अभी यहाँ पर, ये बहुत अलग अलग धर्म थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था काली माँ की पूजा करूँ किसकी करूँ, तो यस डेफिनेटली आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको काली माँ की पूजा करने की यहाँ पर जरूरत है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंट कंट्री से है, या अलग धर्म को आप मानते हो, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप कर सकते हो, काली माँ की पूजा भी कर सकते हो। प्रेयर, आपकी प्रार्थना काली माँ, अगर आप काली माँ के भक्त हो, बहुत बड़े भक्त हो, शिव शक्ति के भक्त हो, भोलेनाथ के भक्त हो, तो आपकी प्रेयर प्रार्थना से
काली माँ बहुत खुश हुई है और आपको वो शक्ति दी है, आपको वो आपकी थर्ड आई ओपन करी, आपके स्पिरिचुअल आपके जो गिफ्ट्स हैं अंदर आपके चक्रास, ठीक है, वो ओपन यहाँ पर करें, जिसकी वजह से आपके पास वो शक्ति आ जाए, वो पावर आ जाए कि आप हर चीज को अपने निशाने से घुमा सकते हो। सोच सकते हो कितनी बड़ी पावर है आपके पास में, जो सोचोगे वो आपकी लाइफ में घटित होगा। आप समय को बदल सकते हो डियर, आपने अपनी भक्ति से, अपनी सच्चाई से, अपने प्रेम से, ठीक है, आपने अपना भाग्य बदल दिया है। ये एक आपकी, ये काली माँ हर किसी को इतनी ब्लास्ट नहीं करती है, इतनी पावर नहीं देती है, ठीक है, लेकिन आपके कर्म, आपकी जो आप पूजा पाठ जो भी करते हो उससे काली माँ इतनी प्रसन्न होती है कि काली माँ ने आपको जैसे वो अधिकार दे दिया है कि आप जैसे चाहो अपनी जिंदगी को निकाल सकते हो। सब कुछ है यहाँ पर आपके पास, माइंड बॉडी सोल, मतलब दिमाग आपका स्थिर कर दिया है, शरीर आपका स्थिर कर दिया है, ठीक है, आपकी सोल में काली माँ बैठी हुई है। सोच सकते हो तो आप क्या नहीं कर सकते हो, इस चीज का क्यों नहीं विश्वास करते हो आप? हाँ, आप समय को, ये मुझे बस ये चक्र नजर आ रहा है, आप यूं घुमा सकते हो सिचुएशन को, दो मिनट में ऐसे, दो मिनट में ऐसे, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यहां पर यही है कि आपको बैलेंस रहना है, ठीक है, बैलेंस रहकर आप सोचो, मैनिफेस्ट करो, वो चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। प्रेयर, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव किया जा रहा है, थोड़ा सा अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा पियो, पानी ज्यादा पियो, नींबू पानी आप ज्यादा पियो, ठीक है, यह आपके लिए बोला जा रहा है। ग्राउंडिंग करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, यस, रिलीज आपकी, आपका अभी यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपनी अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज करोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, अपने ऊपर काम करोगे, तो बहुत चीजें आपकी रिलीज यहां पर हो रही हैं और उतनी ही जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में वो चीजें आपको मिलेगी जहां पर आपके कार्य में प्रगति होगी, कुशलता आपको देखने के लिए मिलेगी। आपका निशाना सटीक बैठ रहा है, निशाना सटीक बैठा है आपने, आपने जो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पुराना मैनिफेस्टेशन था आपका, ठीक है, वो सटीक बैठ गया है आपका। यहां पर अब बहुत कुछ नेगेटिविटी ब्लॉकेज आपके रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, एंड यहां पर यस, काली माँ ने आपको उस टाइम संभाला है कि जब आप उस दिक्कत में थे, उस परेशानी में थे कि जहां पर आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, जो मैंने यहां पर आपको बताया, जैसे बहुत बड़ा संकट, एक ऐसे संकट से आपको काली माँ ने बचाया है कि अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक दर्द की भी एक सीमा होती है, एक संकट की भी सीमा होती है, जैसे सीमा भी पार हो चुकी थी आपकी यहाँ पर, ठीक है, तो काली माँ ने जैसे उस वक्त आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दी है और काली माँ ने आपका साथ यहाँ पर दिया है। आप अकेले नहीं हो, अगर आप इस चीज को सोचते हो कि आपके ऊपर जब संकट आए थे, परेशानी आई थी, दुविधाएं थी आपके ऊपर, यहां पर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, कहीं से कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, उस वक्त आप अकेले थे? नहीं, उस वक्त भी काली माँ आपके साथ में थी, काली माँ आपके साथ में थी और आपको, आपको जैसे कि आपको इतना हील कर रही थी, आपको पल पल रास्ता दिखा रही थी कि आप ऐसे करो, आप वैसे करो, ठीक है, आपको वो, आपको वो अंदर से जैसे एक माँ की, शायद आपको एक माँ की भी कमी महसूस हो रही होगी, ठीक है, एक माँ की ऊर्जा, वो उस कमी को भी काली माँ ने आपकी पूरा किया है, ठीक है, एक माँ कैसे, माँ अपने बच्चों को कैसे संभालती, उस तरीके से आपको संभाला है तकलीफ में यहाँ पर, ताकि आप अपने जो आपकी जो आपके कार्य हैं, जो आप कुछ करना चाहते हो, जो शक्ति पावर आपके पास में है, उसका खुलकर आप इस्तेमाल करो, ठीक है, और आपको आपके कार्यों में कुशलता मिले। फेथ की काली माँ बस आपको अभी भी यही बोल रही है और शुरू से यही बोलती है, विश्वास रखो, विश्वास करो मेरे ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है, आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके साथ एक शक्ति नहीं चल रही, तीन शक्तियां चल रही हैं आपके साथ में यहां पर, आपके एंजल्स भी हैं आपके साथ में, ठीक है, आपके एंजल्स भी हैं और काली माँ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तीन शक्तियां आपके साथ, माँ लक्ष्मी भी चल रही है आपके साथ, काली माँ भी चल रही है, दुर्गा माँ भी चल रही है यहाँ पर, और आपके एंजल्स भी चल रहे हैं यहाँ पर, जो आपके आपके निशाना सटीक बैठे,
ठीक है, आप भटको नहीं और आप अपने ऊपर विश्वास करो। हाँ, ग्रोथ, यस, ये काली माँ है भाई। आपको आपका निशाना सटीक बैठ रहा है, ठीक है, अब आपको कार्य में कुशलता सफलता आपको मिलेगी। काली माँ आपको ग्रोथ की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है, ठीक है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक मुझे मुझे ऐसा भी है कि अगर आप अपने घर में पेड़ पौधे नहीं लगाते थे या आपको शायद बहुत ऊर्जा की कमी थी, तो आपके लिए अगर जिसने जिसके घर में है वो ठीक है, अगर आपको आपके घर में पेड़ पौधे नहीं है तो छोटे छोटे ही अपने घर घर के आगे आप पेड़ पौधे यहाँ पर लगाओ, ठीक है। किसी के घर के आगे सूखा पौधा रखा है, पेड़ रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप उसे देखोगे कि हरा होता हुआ देखोगे। अगर आप अभी तक कुछ सूखापन देख रहे थे आप अपने घर के आगे, तो अब हरियाली भी यहाँ पर देखोगे। जैसे सूखा, जैसे कहते हैं ना कि ग्रोथ है ना, अगर हम किसी चीज में जड़ में, हमारी जड़ जब कमजोर होती है, किसी पौधे की जड़ जब कमजोर, तो सूख जाता है, मुरझा जाता है वो। तो यही सिचुएशन आपकी थी, लेकिन काली माँ ने आपको अपने प्रेम से, अपनी ब्लेसिंग से, अपनी करुणा से आपको हरा भरा कर दिया है, आपके घर को हरा भरा कर दिया, आपके दिल को हरा भरा कर दिया है यहाँ पर इनलाइटनमेंट। आपको यहाँ पर एक ऐसे एक टाइम पर आप अंधकार में थे, है ना, अंधकार, जैसे अंधेरा ही अंधेरा, दिल दिमाग शरीर जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन काली माँ ने आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपकी कार्य प्रगति, ठीक है, आपकी कार्य और प्रगति यहाँ पर अपूर्ण होंगे। वो क्यों होंगे कि काली माँ ने आपको ऐसे रास्ते पर, ऐसी जगह, ऐसे प्लेस पर ले आई है कि जहाँ पर आपकी जिंदगी में रोशनी है, हवा है, पानी है। एक टाइम पर शायद आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, आपकी सोल को सोच सकते हो आप, आपकी सोल, जैसे उसको बहुत एनर्जी की जरूरत थी, डिवाइन लव की, डिवाइन ब्लेसिंग्स की, वो उसकी हवा की, उसकी पानी की, तो बहुत चीजें ऐसी थी जहां पर आपको ऊर्जा से भर देगी, जो मैजिशियन यहाँ पर आपको बना देगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे खुला वातावरण आपका, आप जो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि आपकी जो सोल है, ठीक है, आपकी जो खुलकर उड़ना चाहती है, तो आपको यहाँ पर काली माँ, जैसे खुलकर उड़ना आप किसे कहते हैं, ठीक है, वो आप करोगे यहाँ पर। क्योंकि अब आप ऐसी प्लेस पर, ऐसी जगह पर आप आ चुके हो जहां पर आपको आजादी है, ठीक है, जहां रोशनी है, जहां ईश्वर का आशीर्वाद है, जहां ईश्वर की ब्लासिंग्स है, ठीक है, जहां पर आपके अब आपका निशाना सटीक बैठेगा, ठीक है, या बैठ चुका है। अब आपको कार्यों में पूर्णता मिलेगी, सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बैलेंस। अब आप बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस वाली सिचुएशन, आप पहले इनबैलेंस थे, एनर्जी ब्लॉक थी, यहाँ पर अब हर चीज को, पहले शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके किसी भी चीज को बैलेंस नहीं बिठा पाते थे, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके आपके खुद के विचारों में क्यों ना हो, चाहे आपकी ग्रोथ में ही क्यों ना हो, जैसे बहुत ज्यादा इनबैलेंस थे क्योंकि रिसीव मोड में नहीं थे, लेकिन अब आप बैलेंस बिठा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ यहाँ पर हो पे। यस मैंने बोला ना कि किसी का अधिकार था, किसी का नियंत्रण था आपके ऊपर यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ चीजें थी, जैसे आपको आजादी मिल रही है किसी भयंकर ऐसे रूप से या भयंकर एक ऐसे स्थान से जहां पर आपकी आपको डराया जाता था, आपको धमकाया जाता था, तो बस काली माँ ने आपके उसी डर को, उसी भय को यहाँ पर खत्म करा है और आपको आपके अंदर की सुंदरता, ब्यूटी, आपकी डिवाइन लव से आपको कनेक्ट, आपकी सोल को यहाँ पर फ्री करा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पता नहीं क्यों इसको, इस कार्ड से, जैसे इंट्यूशन, आप अपनी जैसे आप अपनी आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे थे, जैसे आप, शरीर आपका था लेकिन दिल दिमाग किसी और का चल रहा था आपके अंदर, ठीक है, जैसे आप अपनी, जिसकी वजह से आप अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पाते थे, लेकिन अब आजाद हो आप यहाँ पर, अब आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, अंतरात्मा की यहाँ पर सुनोगे, ठीक है।
एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, यस स्टॉपिंग इंटर योर पावर. आपको बोला जा रहा है, कालिमा बोल रही है यहाँ पर, आपका निशाना सटीक बैठेगा, ठीक है. और बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब आपको स्टेप टू स्टेप आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको आपकी पावर का यहाँ पर पता चलेगा, ठीक है. पीछे नहीं देखना है, पीछे स्टेप आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एंड यहाँ पर एम्पावर, यस, आपका सोलर पेसेस चक्रा की बात आ रही है. आपका सोलर पेसेस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर किया जाए. जो एनर्जी आपकी बहुत लो एनर्जी पास्ट में, अब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी में रहोगे, बहुत पावरफुल. आपकी क्रिएटिविटी, आपका हुनर, आपकी कार्यकुशलता, आप कुछ भी हो, सिंगर हो, पेंटर हो, कुक करते हो, हीलर हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पर जिस चीज़ में भी अपनी एनर्जी लगाओगे, एफर्ट डालोगे, उसमें आपको 101% आपके कार्यों में आपको सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि अब आप आज़ाद हो, आपकी सोल यहाँ पर आज़ाद है. ओके डियर, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय. जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव.